मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कुंती जी, ललिता जी, रेखा, अविनाश जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, सभी लोग थम्स अप निकालिए। पूजा जी, राज, रुक्मिणी, करिश्मा, एमपीएससी, पीएससी। चलिए, जय महाकाल सभी को। सबसे पहले याद रखिएगा, ये बोला था हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से पढ़ना पड़ता है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें कोई बेहतरीन दिन हमें निकालना हो, बेहतरीन काम करना हो, तो उसके लिए हमेशा बुरे वक्त का दौर चलता है। तो बुरे वक्त के दौर से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और अगर आप बुरे वक्त के दौर से घबरा गए तो सोचो आप गए काम से। तो सबसे पहली चीज क्या होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम इतना पढ़ते हैं कुछ नहीं होता। तो हमारा कहने का मतलब है, जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करते हो तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है? तो आपको केवल इतना ध्यान रखना, जब भी कभी कोई बुरे वक्त हमारे पास आते हैं तो उससे हमको लड़ना है। और बुरे वक्त का मतलब होता है संघर्ष। जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आपकी लगन और जो आपका संघर्ष है ना, वो आपका बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। कभी संघर्ष से पीछे मत हटना, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। लोग क्या करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन जब भी उसके संघर्ष की बारी आती है तो वो घबरा जाता है। कम नंबर आए तो टेंशन मांगा, अरे टेंशन में मत आओ ना, आप उसे सीखो कि आपसे गलती कहां हो, और जो सीखो उसको दोहराओ मत। बस इतना ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन तो होके रहेगा, बस कंटिन्यू बने रहिएगा। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लियर है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीजनिंग का, ऑलरेडी हमारा लेक्चर 8 से 9 में रीजनिंग का रहता है, 9 से 10 में आपका मैथ्स का रहता है। ये सारे लेक्चर जो हो रहे हैं उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, और सारे एग्जाम को हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हमारा चल रहा है, बेसिक टू एडवांस। और ये सारे क्वेश्चन हम इतने हाई लेवल का करा रहे हैं कि आपको एक बार क्लास अटेंड करोगे मजा आ जाएगा। तो क्लास वगैरह सभी लोग पूरा अटेंड किया करिए, आप बस रेगुलर रहो। मैंने क्या बोला, किसी काम को आप रोज करेंगे तो गारंटी है कि आपके अंदर जरूर सुधार होगा, और अगर वो काम आप रोज नहीं करेंगे तो कभी सुधार नहीं हो सकता। तो सुधार होने के लिए हमें किसी काम को रोज करना जरूरी है। और हम भारतीय मोटिवेट हो लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं काम करने का, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा ऑलरेडी पटवारी का लेक्चर चल रहा है, और शाम में बैच बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। 8 से 9 में आपका पंचायती राज रहता है, 7 से 8 में आपका कंप्यूटर का क्लासेस रहता है, और 6 से 7 में आपका मैथमेटिक्स का क्लासेस रहता है, और 5 से 6 में आपका ये साइंस की क्लासेस रहती है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, और इसी के बेस पर आपको लेके चलना, ठीक है? क्लियर है सबको? हाँ जी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना? क्लियर है सबको? चलिए, तो इसलिए आपके पास, आपको हर अच्छे चीज को आपको अच्छे से शुरुआत करना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास आता है रैपिड फायर राउंड की ओर चलते हैं, और फिर हम बात करते हैं। आपसे ये पूछा जाता है क्या कि कौन सा सिटी को, अभी चलिए रैपिड फायर राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन, किस शहर को 2021 का सिटी ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ने अवार्ड दिया? हाँ जी, किसको दिया गया है? बिल्कुल, तो अभी किस शहर को, किस दो शहर को सिलेक्ट किया गया है जिसका नाम रखा गया 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो विश्व का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में किसको रखा गया? तो सबसे पहली बात है, तो ट्री सिटी वर्ल्ड में जब हम बात कर रहे हैं, तो ट्री सिटी वर्ल्ड में दो शहर हमारे पास, एक है हैदराबाद और एक है मुंबई। तो मुंबई और हैदराबाद दो शहर ऐसे हैं जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इसे सिलेक्ट किया गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा किसको,
हैदराबाद और मुंबई को किसके नाम से? थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और दोनों शहर को किसने दिया है? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और खाद्य एवं कृषि संगठन, ये कहाँ का है? तो ये रोम के संगठन है। रोम कहाँ पर है? तो इटली का ये राजधानी है। और ये किसके अंडर में आता है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को मैंने बोला भी था कि वर्ल्ड फूड डे के रूप से हम लोग मनाते हैं। हर साल 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो लाया गया है वो किसके लिए लाया गया? 126 शहरों को और जोड़ा गया इसके अंदर, स्वनिधि योजना। और ये स्वनिधि योजना कब लॉन्च किया गया था? 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया गया था, स्वनिधि योजना के तहत, जिसके तहत 10,000 रुपए का क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, जिसके तहत आप अपने ठेले वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, इसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चले तो आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं। तो स्वनिधि योजना, और इसी का नाम रखा गया स्वनिधि से आपके समस्त परिवार के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, मतलब पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वनिधि योजना। आगे की ओर बढ़ते हैं, बोला गया बताइए हाल ही में कौन सी तेल और गैस उद्योग ने डिजिटल परिवर्तन के लिए, सीधी सी बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, तो बताइए डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग को गति देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो इन्होंने साइन किया, तो वो कौन सी कंपनी है? तो किसने साइन किया? तो वह है भाई साहब भारत पेट्रोलियम, जिसने भारत पेट्रोलियम में किसके साथ मिलकर, तो ये भारत पेट्रोलियम किसके साथ, तो माइक्रोसॉफ्ट के मिलकर एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाएगा, जो लोग रेगुलर क्लास में रहते हैं वो लोग सेशन को लाइक भी करें और कोशिश क्या करें पूरे क्लास को अटेंड करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार संगठन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में रिसीव किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फोरकास्ट किसके लिए, तो 4.7% इन्होंने घटा दिया। तो अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध की हालात बनी हुई है, तो इनको देखते हुए जो हमारा ग्रोथ था किसका, व्यापार का, वो घटकर अब कितने परसेंट हो गया है? तो 3% हमारा घटकर इसका व्यापार हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट, बोला निम्नलिखित में से बताइए ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में किनको सेलेक्ट किया गया? तो वह है भाई साहब जयसा, तो जयसा को इनको ये सेलेक्ट किया गया। क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है ऐसा, एक मिनट। क्या हो रहा, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जी बताइए सभी लोग एक बार, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है क्या? वॉइस तो प्रॉपर आनी चाहिए। हाँ जी बताइए सभी लोग, बताइए वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है, पहले आप ये बताइए। खर खर कर रहा, ओके एक मिनट। वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत हमें एक बार बताइए, क्या वॉइस आ रही है सबको प्रॉपर? अब मैंने इसको एक बार वापस से, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, वॉइस प्रॉपर है क्या अब? ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं।
कि वॉइस अगर आपको प्रॉपर वहां आगे की ओर बढ़े, अमित जायसवाल जी क्या हो गया, साउंड नहीं आ रही है? हाँ जी, साउंड आ रही है नहीं आ रही है आप लोग एक बार कंफर्म करो। किसी को कोई दिक्कत साउंड आने में, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलो चले तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, तो आईसीसी का मुख्यालय वगैरह सभी लोग याद रखेगा। और सीधी सी बात, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबानी करने वाला जो देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया 2026 का मेजबानी करेगा। ये ऑलरेडी 2018 में मेजबानी कर चुका है, 2006 में कर चुका है। तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में इसकी मेजबानी किया था। अब जो हमारे पास 2022 का हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है। राष्ट्रमंडल खेल हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और भारत जो जादू क्या था 2010 में, और बर्मिंघम कहां पर है तो ब्रिटेन में, और ये जो हमारा होने जा रहा है विक्टोरिया में होने जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में 2026 में ये होगा। क्लियर है सबको? चले इसी के बेस पर हमको आंसर देने, और यही हमारा मेन। क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ जी, चलो आगे की ओर बढ़े। बोला गया कौन सी राज्य सरकार पूर्व सैनिक और युवाओं के हिम प्रहरी योजना लागू कर दी है। तो ये जो लागू करेगी तो कौन सी सरकार है, तो मैं आपको बता दूं, हिम प्रहरी योजना ये कहां की सरकार लागू करेगी, उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में अभी कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो ये वहां के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने। और अभी यहां पर चुनाव हुआ था तो 5 राज्यों में उत्तराखंड भी एक राज्य है जहां पर चुनाव हुआ था, जिसकी राजधानी कहां पर है भाई साहब, देहरादून। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका मेन है कि पलायन को रोकना। तो पलायन को रोकने के लिए इन्होंने ये योजना चलाया है जिसका नाम क्या है, हिम प्रहरी योजना, ताकि जो भूतपूर्व खास करके पूर्व सैनिक थे वो लोगों जो पलायन कर गए उनको क्या करना, युवा और पूर्व सैनिक को वहां पर बचाना, ये इनका पहला टारगेट है। तो इसलिए पलायन को रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आवाज में? हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या? और इसी को हम लोग बोलते हैं देवभूमि। हम उत्तराखंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं। उसके बाद जिम कॉर्बेट का आपने नाम सुना होगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना है, जो कहां पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद तितली पार्क भी आपने देखा होगा, ये कहां पर है, तो उत्तराखंड में ही सबसे ज्यादा चर्चे में। उसके बाद आपने रानी खेत और पालमपुर खेत का नाम सुना होगा, ये सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड है ये वादियों में बसा होता है, बाकी गंगोत्री यमुनोत्री ये नदियों का जो हमारा मेन होली रिवर, ये सारे कहां से, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ जी, और वहां के जो गवर्नर हैं वो गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह जो है वहां के कौन है, गवर्नर है। तो याद रखिएगा गुरमीत सिंह कहां के गवर्नर है, तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। तो मिल्क प्राइस इंटेंस इंसेंटिव स्कीम भी कहां की सरकार ने चलाई है, तो उत्तराखंड की सरकार। उसके बाद मुख्यमंत्री काशियारी योजना, कल्याण योजना, ये भी कहां पर चलाया गया है, तो उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो है ये कहां चला गया, उत्तराखंड। और फ्री मोबाइल और लैपटॉप भी बांटने का काम किसने किया है, उत्तराखंड ने किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत सिंह यहाँ के कौन है, गुरमीत। तो गुरमीत सिंह जो है यहाँ के कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये भारत का ऐसा राज्य जहां पर, वहां पर संस्कृत, मतलब एक गांव ऐसा है जहां पर संस्कृत गांव बसा हुआ है, और इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर संस्कृत भाषा को राजभाषा में भी उसको रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर एक गांव ऐसा है जो संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया भारत के पहले
सामुदायिक संग्रहालय, मतलब सोचो ये इंडिया का फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का पहला, ये पूछा भी जाएगा, भारत का पहला फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी म्यूजियम, और भारत का पहला सामुदायिक जो भवन का संग्रहालय का उद्घाटन, संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो याद रखिएगा, तो ये जो उद्घाटन इसका किया गया, भारत का पहला संग्रहालय का उद्घाटन ये किया गया लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख का आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि 2019 में धारा 370 खूब फेमस हुआ था। तो धारा 370 हटने के बाद तो जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वो एक राज्य था जिसको क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी में हमारे पास दो राज्यों का डिवीजन हुआ, एक बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख और लद्दाख। इसका मतलब ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 2019 में हमारा एक स्वतंत्र रूप से क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन्हें बांट दिया गया। तो लद्दाख की राजधानी क्या रखा गया, लेह लद्दाख लेह रखा गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो कहां पर है, जम्मू श्रीनगर। तो इस तरह से इनको लाया गया था और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने हैं वो कौन है, आर के माथुर। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है भाई साहब, तो आर के माथुर साहब जो हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं, लद्दाख के। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय जो बनाया गया ये कहाँ बनाया गया, लेह में। तो ये वाकई में एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है। और इससे पहले रॉक म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया, ये भी आपसे पूछा जाता है कि रॉक म्यूजियम जो है, भारत का पहला रॉक म्यूजियम कहाँ बनाया गया, मतलब पत्थरों से बनके। तो रॉक म्यूजियम जो बनाया गया, रॉक संग्रहालय, रॉक म्यूजियम जो बनाया गया ये हैदराबाद में बनाया गया। तो हैदराबाद में बना है रॉक म्यूजियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती है इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ये पब्लिक सामुदायिक एक संग्रहालय है, जहां पर आप जाइए, वहां पर आप मीटिंग करिए और वहां से एक अच्छा, जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग माहौल, वो एक मेंटेन किया जाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा चर्चे में। क्लियर है सबको? हाँ जी। जो भी डेटा पूछा गया इसको बस आप रीड करते जाइए। बाकी लेह की अगर हम बात करें तो लेह को तो हम लोग वादियों में बोलते ही बोलते, ये ऐसा राज्य है जो किसमें बसा हुआ, वादियों। आप थ्री इडियट मूवी वगैरह देखने जाइए तो वहां पर आपको लेह का बहुत सारा सीन दिखता है। पहले जितने भी मूवियां बनती थी उसको शूटिंग मतलब जो होता था वो सबसे ज्यादा लेह लद्दाख और कहां, जम्मू कश्मीर में होता था, जो सबसे बेहतरीन जाना जाता प्लेस में। और ये रॉक म्यूजियम जितेंद्र सिंह के द्वारा ये रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, ये कहां पर किया गया था, हैदराबाद। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला रॉक म्यूजियम जो है ये कहां पर ओपन किया गया है, तो हैदराबाद में। क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो हमारे पास है कि बताइए निम्नलिखित में से, इनमें से पूछा गया कि किसको मध्य प्रदेश चैंपियन चेंज अवार्ड दिया गया। तो चैंपियन चेंज अवार्ड जो दिया गया है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो मध्य प्रदेश में चैंपियन, मध्य प्रदेश चैंपियन चेंज ऑफ अवार्ड 2021 का किसे नहीं मिला। तो मिला किस किस को है, पहले मैं उसकी बात कर लूं तो दिव्यांका त्रिपाठी का आपने नाम सुना होगा, एक सीरियल आता है ये है मोहब्बतें, आप देखना रमन भल्ला और इसीता के नाम से बहुत फेमस है। तो एक्चुअल में ये है मोहब्बतें, दिव्यांका त्रिपाठी, इनको जो है मध्य प्रदेश का गेम चेंजिंग अवार्ड दिया गया। तो ये आपको बहुत याद रखना है, जितने भी रिसेंट में अभी मध्य प्रदेश में एग्जाम होने वाले हैं तो भाई साहब इसको रख लीजिएगा, क्योंकि ये छप के जरूर आएगा। तो इसको मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जो पुरस्कार 2021 का मिला है, जिसमें अजीज कुरैसी को भी मिला है, दिव्यांका त्रिपाठी को मिला है और खुद शिवराज सिंह चौहान जी को भी ये पुरस्कार दिया गया। तो मंगू भाई, छगन भाई पटेल ये खुद को पुरस्कार थोड़े ना देंगे, गवर्नर खुद जाके पुरस्कार दिए हैं, तो ये अपने आप को पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें से किनको नहीं मिला है, तो इनको मंगू भाई छगन भाई पटेल जी को नहीं मिला, जो कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी 2021 का किसके द्वारा दिया गया है, तो इंटरेक्टिव फोरम
ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो दिया गया है अवार्ड 2021 का इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी अवार्ड, जिसको कुशाबाऊ ठाकरे, तो कुशाबाऊ ठाकरे जो ऑडिटोरियम है कहाँ, भोपाल में दिया जा रहा है। पूछा भी जाता है कि कुशाबाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम है कहाँ पर, तो याद रखिएगा कि कुशाबाऊ ठाकरे जो ऑडिटोरियम है ये कहाँ, भोपाल में। और जब भाई साहब भोपाल की बात हो रही है तो भोपाल किसकी राजधानी है, तो खुद मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहीं पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम भारत का पहला पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन है। तो बताइए पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन भारत की कौन है, तो कमलापति का आपने नाम सुना होगा। तो कमलापति जो रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन है, जो सबसे ज्यादा चर्चे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो कमलापति जो पुराना नाम था इनका हबीबगंज था, तो हबीबगंज का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया, तो कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से ये फेमस है, ठीक है। और भोपाल किसकी राजधानी है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और ये सारे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इसमें गेम चेंजर का जो अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिए अजीज कुरैशी और यह दिव्यांका त्रिपाठी, खुद शिवराज सिंह चौहान को भी दिया गया और यही मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा ये दिया गया अवार्ड, ठीक है। अब ये मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देता हूँ किन किन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है, सबसे पहली बात है कि जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इनको भी दिया गया। और उसके बाद फॉर्मर गवर्नर थे उत्तर प्रदेश और मिजोरम के, जिनका नाम था अजीज कुरैशी, इनको भी दिया गया अवार्ड। उसके बाद फॉर्मर परफॉर्म म्यूजिक परफॉर्मर पद्म विभूषण, जिनका नाम है तेजन भाई, इनको भी दिया गया है। गेम मैंने कि मध्य प्रदेश का चेंज ऑफ अवार्ड का दिया गया। उसके बाद मेयर जो इंदौर की मेयर है, जिनको मालिनी गौर, तो मेयर जो इंदौर की है मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। सबसे ज्यादा इंदौर को स्वच्छ में नंबर वन बनाने में, अगर नगर निगम अगर यहाँ पर काम करती है तो उसमें मेयर की भूमिका सबसे ज्यादा होता है। तो मेयर जो है वो कौन है, मालिनी गौर। और राज्यसभा एमपी से है, जिनका नाम है सैयद जफर इस्लाम, इनको भी दिया गया। और इंडियन एक्ट्रेस हैं दिव्यांका त्रिपाठी, इनको भी दिया गया। और ठीक है, पीयूष मिश्रा का भी आपने नाम सुना होगा, पीयूष मिश्रा। और पीयूष मिश्रा जो गाना भी गाते हैं और एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो पीयूष मिश्रा को भी ये अवार्ड दिया गया। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखा होगा, उसमें इसका एक्टिंग बहुत खतरनाक था, ठीक है, क्लियर है सबको। और इसी के बेस पर आपको लेके चलना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला सेशन को लाइक करते जाइए। सेशन को लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, सभी लोग सेशन को लाइक करते जाइए। उस वाला निम्नलिखित में से कौन हियर योर सेल्फ, हियर योर सेल्फ नामक पुस्तक को लेखक कौन है, तो हियर योर सेल्फ खुद के बारे में सुनो, बोलते हैं ना अपने बारे में हर योर सेल्फ, तो हर योर हियर योर सेल्फ अपने बारे में सुनो। तो सोचना तो सभी को बोलते हैं, थिंक योर सेल्फ बोला जाता, लेकिन खुद के बारे में हम सुनना नहीं पसंद करते। तो जब खुद के बारे में सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो ये बुक किसके द्वारा लाया गया, तो प्रेम रावत, प्रेम रावत के द्वारा ये बुक लिखी गई है हियर योर सेल्फ। और ये बुक अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, हियर योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुक तो बहुत सारे आए हैं जिसे आपसे पूछा जाता है। रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन 2020 बुक आई थी जो बहुत फेमस हुई थी। तो रिवॉल्यूशन 2020 जो बुक आई थी, ये चेतन भगत की बुक थी जो बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था, चेतन भगत की बुक थी, ठीक है। द व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा फेमस है, द व्हाइट टाइगर, तो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी का आपने नाम सुना होगा, अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा जो है इनको द व्हाइट टाइगर जो बुक लिखी गई थी बहुत ज्यादा चर्चे में। और बाकी विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर ये किसकी बुक है, तो हमारे यहाँ के फॉर्मर जो आइडल बोले जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे कौन है, आइडियल है, जो फॉर्मर मतलब सबसे ज्यादा फेमस जाने जाते थे, ठीक है। चले आगे की ओर बढ़े, तो हियर योर सेल्फ जो है प्रेम रावत की बुक है। 2021 में जितने भी चर्चे में बुक रहा है उसकी भी मैं लिस्ट बता देता हूँ। प्रियंका चोपड़ा की बुक आई थी जिसका नाम था अनफिनिश्ड, तो अनफिनिश्ड बुक जो है ये भी बहुत चर्चे में रहा था और सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक बोला गया था अनफिनिश्ड का। उसके बाद विक्रम संपत की एक बुक आई थी सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर, और ये भी बुक बहुत ज्यादा चर्चे में आती।
सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, सुरेश रैना के ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम है बिलीफ। तो बिलीफ मतलब जिसको बोलते व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मतलब लाइफ जिंदगी और क्रिकेट मुझे क्या शिक्षा दिया है, इसके ऊपर इनकी बुक आई थी। उसके बाद आपने ऑल टाइम फेवरेट, ये भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था, और नीना गुप्ता का आया था बुक सच कहे तो नीना गुप्ता की भी बुक बहुत ज्यादा चर्चे में रही थी। हाँ जी, इसको अच्छे से सेशन को लाइक करते जाइएगा। हाँ जी, उसके बाद रवि शास्त्री की बुक आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार गेजिंग। तो स्टार गेजिंग जो आया था बुक, ये भी चर्चे में रहा था। उसके बाद एक मनोहर पारिकर की बुक आई थी नितिन गोखल का, जिनका नाम है मनोहर पारिकर। ये कौन थे? तो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर थे और गोवा के मुख्यमंत्री थे। सबसे सादगी भरे इंसानों में से एक माने जाते थे मनोहर पारिकर। उसके बाद इंदिरा नोई माय लाइफ इन फुल, तो इंदिरा नोई जो पेप्सिको की चेयरमैन है, इंदिरा नोई उनकी बुक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको, संजय बारू की बुक आई थी इंडियाज पावर इलाइट, तो ये संजय बारू की बुक बहुत फेमस है। बाकी जुम्पा लहरी, इनका भी बुक बहुत ज्यादा फेमस होता है, और मीटू। तो ये सारी चीजें जो मैंने बोला, ये बुक का नाम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बुक आए दिन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो बुक जब पूछे जाते थे, इनके बेस पर हमको अच्छे से लेके चलना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया वर्ल्ड चगास रोग दिवस। अब एक्चुअल में चगास रोग होता क्या है? तो वर्ल्ड चगास रोग एक मतलब कीट जो होता है ना, कीड़े जिसके संपर्क में आने से आपको जो है क्या हो जाता है, वहां पर रोग हो जाते हैं। और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए इसको प्रचार करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को किसके द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है, जिसका नाम रखा गया विश्व चगास रोग दिवस। और ये चगास रोग दिवस मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने कॉकरोच का नाम सुना होगा, ये एक्चुअल में पहली बार कहां पर इसका हुआ था जस्टिफिकेशन, तो ब्राजील के डॉक्टर ने इनको पहली बार डायग्नोसिस किया था 14 अप्रैल 1909, और उसी समय ये चगास रोग का उत्पत्ति हुआ था और वहीं से इसका शुरू हुआ था। और इस बार का इसका थीम है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस डिफीट चगास डिजीज। और ये जो 1991 में आया, यही चगास रोग है जो आपको दिख रहा होगा, ये कॉकरोच जैसा दिखता है लेकिन ये कॉकरोच होता नहीं है। तो इन्हीं से बॉडी, इनके संपर्क में आने से या किसी के संपर्क में आने से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ फैलता है। और अभी सबसे ज्यादा फाइंड कहाँ किया जाता है, तो जो लैटिन अमेरिका है, तो लैटिन अमेरिका में ये बीमारी सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाता है, चाहे किसी के फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट में ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि इवाइंग इंटरप्रेटर, इवाइंग एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर इंडिया, मतलब सीधी सी बात है ई वाई एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार दिया गया था, ये 23rd एडिशन का, तो 23वें एडिशन का किसको दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं इनमें सबसे ज्यादा फेमस है फाल्गुनी नायर। ध्यान से सुनिएगा, फाल्गुनी नायर वही है जिनको हम बोलते हैं नायका, नायका की जो हेड है, और नायका की जो हेड है फाल्गुनी नायर, ये सबसे ज्यादा चर्चे में, और इनको अभी दिया गया है ये अवार्ड। क्लियर है सबको? हाँ जी। तो जैसे जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट जरूर करते जाएगा, ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं है, MPPSC जी टाइपिंग नहीं करेंगे, चलेगा, बस आंसर देते जाइए, वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो यही है किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं फाल्गुन नायर, और इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये सारे जो थे ये जूरी मेंबर है, ये सारे जूरी मेंबर ने सेलेक्ट किया था। मेन जो हेड है वो उदय कोटक है, जिनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये बाकी लोगों का भी नाम है, जैसे विदित आराट्रे, तो विदित जो अटारे स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किया था, जो को फाउंडर स्टार्टअप किसके हैं, संजीव वर्णवाल, ये सारे कौन है, को फाउंडर इनको दिया गया। फ्रेशर टेक्नोलॉजी में मिशो का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में अभय सोनी को, और चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर किसके हैं, मैक्स हेल्थ केयर के। तो ये सारी चीज, ये पूरी लिस्ट दी गई है जिसको हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है। चलिए आगे की बात करें हम लोग। अगला आपसे पूछा गया है
कि मासरेक, तो मासरेक न्यू हैज टाइड अप विथ विच बैंक टू एनेबल इट यूनाइटेड अरब एमिरात। तो मैसरेक बैंक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैसरेक जो है ये कौन है, एक बैंक है, और मैसरेक बैंक ने किस बैंक के साथ टाई अप किया, तो भारत की फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के साथ खास करके किसके लिए, तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, तो एनआरआई जो अकाउंट होता है उसके लिए इनसे जो है टाई अप किया। तो एनआरआई अकाउंट के लिए फेडरल बैंक ने मशरक बैंक, जो कहाँ की बैंक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की बैंक है, उसके साथ इसने टाई अप किया है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, और ये जो अभी टाई अप हुआ किसके साथ, मशरक बैंक के साथ, ठीक है, क्लियर है सबको। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बस उसको टिक लगा और अच्छे से इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और फेडरल बैंक ने इसीलिए साइन किया ताकि एनआरआई अकाउंट को वो कंट्रोल कर सके। तो जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन भारतीय कहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनको इससे जोड़ा जा सके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बात करूं, अगर किसकी बात करूं, फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक जो है सबसे मोस्ट लीडिंग बैंक है, अभी फिलहाल शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो 1931 में इसकी स्थापना होती है और 1949 में इसका नाम बदला जाता है और इसका नाम रखा जाता है फेडरल, जो अभी कहां पर है, इसका बहुत बार पेपर में पूछा जाता है अलुबा, तो अलुबा ये कहां पर है, केरल में, तो केरल के अलुबा में इसका क्या है भाई साहब, मुख्यालय। तो बिल्कुल आप लोग याद रखते जाइएगा और इसी पर ये पूरा काम करता, सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, सेशन को लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले सेशन को लाइक भी करना, क्लियर है सबको। हाँ जी, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला पूछा गया कि बताइए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल जिसको हम लोग बोलते हैं कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एनसीएम बोलते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के जो अभी बनाए गए, किनको नियुक्त किया गया, इकबाल सिंह लालपुरा को ये बनाया गया है, किसका, तो राष्ट्रीय जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पसंख्यक आयोग, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो 1993 में आई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, और हमारे यहाँ के कौन है, तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी का नाम सुना होगा, मुख्तार अब्बास नकवी, और ये कौन है अभी, तो ये जो है अभी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, अल्पसंख्यक मंत्रालय इन्हीं के पास है। अल्पसंख्यक मंत्रालय किन के पास है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, क्लियर है सबको। हाँ जी, सेशन को लाइक भी करना है। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो ये जो इनको बनाया गया, इनको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, और इनको वापस से क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। ये कब आई थी, 1993 में आई थी, और इसी पर ये सबसे ज्यादा चर्चे में। चलिए अगला एक बहुत बेहतरीन न्यूज है, सरकार के सबका विकास महाक्विज, ध्यान से सुनिएगा, सबका विकास एक या स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट का सबका विकास महाक्विज, और सबका विकास महाक्विज के तहत पहली प्रश्नोत्तरी का विषय क्या है। तो ये किस, यहाँ पर क्या होता है कि स्कीम के ऊपर आपसे पूछा जाता है, और ये हर हफ्ते किया जाएगा, और भीमराव अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया है, भीमराव अंबेडकर जयंती, तो इस जयंती के उपलक्ष में भारत सरकार ने 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में एक क्विज कॉन्टेस्ट किया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, और 2000 रुपए का इसे रिवॉर्ड राशि भी दिया जाएगा। तो हर बार क्या होगा, इस महाक्विज में आपको योजना के बारे में पूछा जाएगा। तो इस बार का महाक्विज का जो योजना है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब आप सोचो कि भारत सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि भारत सरकार ने सोचा कि ऐसे तो कोई योजना के बारे में पढ़ते नहीं है, तो योजना को घर घर अगर पहुंचाना है तो हम क्यों ना महाक्विज करा दें। अब आप सोचिए, अगर आपसे महाक्विज करा दिया गया तो सोचो उस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये पहला थीम रखा गया है जिसको हम बोलते हैं महाक्विज।
तो आपसे पूछा जाएगा कि सबका विकास महाक्विज के तहत जो पहला टॉपिक रखा गया है, तो बताइए वो कौन सा टॉपिक है जो महाक्विज के तहत रखा गया। क्लियर है सबको? तो इसीलिए सबसे ज्यादा लाया गया। और ये गरीब कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण योजना 2020 में आपने सुना होगा, जब बहुत ज्यादा ये चर्चे में रहा था तो ये आया था, और उससे पहले ही काम कर रहा था, जिसमें 5 केजी का अनाज दिया जाता था। और इसीलिए आपको क्या करना, पूरी तरह से प्रमोट करना, एक तरह से जान के गांव-गांव तक योजना को पहुंचाना। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पर जाइए mygov.in, और आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी मस्त घर बैठे 2000 रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये महाकुज, सबका विकास महाकुज, अब आप सोचो कि भारत का पहला सबसे बड़ा ये कुज आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, और इसी पर ये काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसके तहत 1000 विनर को दिया जाएगा 2000 रुपए, और हर वीक दिया जाएगा, एवरी वीक, हर वीक ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये मान के चलो भारत सरकार का सबसे जबरदस्त ये स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कौन सी राज्य पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए, चलिए रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, कौन सी राज्य पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करेगा। तो हिम प्रहरी योजना किसके द्वारा लागू किया जाएगा, तो भाई साहब उत्तराखंड के द्वारा लागू किया जाएगा, जो यहां से पलायन हो चुके हैं उनके लिए इसे लागू किया जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया, ये कहाँ किया गया, ले लद्दाख में किया गया। तो ले और लद्दाख में भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उसके बाद बोला गया निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 नहीं मिला, और किसको नहीं मिला है भाई साहब, तो मंगू भाई पटेल को नहीं मिला। सभी लोग कमेंट वगैरह करते जाइए, हाँ जी कमेंट वगैरह बिल्कुल करते जाइए, और बताइए इसमें कौन, हाँ जी वहां के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और दिव्यांका त्रिपाठी को भी मिला, अजीज कुरैशी को भी मिला है, और शिवराज सिंह चौहान जी को मिला ही मिला। तो ये चेंज ऑफ द है, और मालिनी गौड़ को भी दिया गया। ठीक है, चले आगे की ओर बढ़ते हैं। हियर योर सेल्फ जो बुक टाइटल आया है, इस नाम के पुस्तक जो लाया गया है, तो बताइए किसके द्वारा ये लाया गया, तो प्रेम रावत के द्वारा ये बुक लाया गया। तो सेशन को लाइक करते जाएगा सभी लोग प्रेम रावत के द्वारा। और बोला गया विश्व चागास रोग दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब भाई साहब, तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व चागास रोग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पूछा गया बताइए कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2023 नंबर का संस्करण 2021 का किसको दिया गया, तो वो दिया गया फाल्गुनी नायर, और फाल्गुनी नायर को दिया गया ये पुरस्कार, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और इनको अभी टॉप 10 जो महिलाओं की इंडिविजुअल सेल्फ मेड बिलियनियर में ये अपने आप को आंकती हैं, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया मशरिक नियो ने अपने संयुक्त अरब अमीरात UAE स्थित भारतीय ग्राहकों को, मतलब कि NR अकाउंट जिसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल, खाते खोलने के सक्षम के लिए किस बैंक ने टाई अप किया, तो वो बैंक है भाई साहब फेडरल बैंक ने टाई अप किया इससे, और ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बोला गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया, और ये नियुक्त किया गया इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है, और इसी पर सबसे फेमस। अगला पूछा गया सरकार सबका विकास महाकुज के तहत पहली प्रश्नोत्तरी का विषय क्या है, तो पहली प्रश्नोत्तरी का विषय है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना, और ये अन्य योजना चली थी कोरोना काल में 2020 में,
जो सबसे ज्यादा चर्चे में रही थी। क्लियर है सबको? हाँ जी, जो सेशन पढ़ रहे हैं वो लाइक जरूर करते जाएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक साथ करा देते हैं। और इसी के जस्ट बाद अगर आपका सेशन फिनिश होगा तो इसी के जस्ट बाद हमारा शाम में तैयार रहिएगा आप लोग किसके लिए, तो 8 से 9 में आपका पंचायती राज, 7 से 8 में कंप्यूटर, उसके बाद आपका 6 से 7 में मैथ, और उसके बाद 5 से 6 में आपका साइंस। ये सारे बैक टू बैक लेक्चर लगेंगे। और मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह जो हमारा चल रहा है जीके भी यहाँ पे चल रहा है एसएससी फाउंडेशन में, और रीजनिंग ऑलरेडी हमारा कितने बजे, 8 बजे सुबह, और 9 बजे से आपका मैथ। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। और ऑलरेडी हमारा बैंक का जो मेन प्रायोरिटी हमारे पास बैंक है, तो बैंक को लेके हम लोग और अच्छे से सबको लेके चल रहे हैं। हालांकि हर एग्जाम को फोकस करना, बट इसमें ये भी हमारा एक कोर्सेज है जिसमें आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं और इसके बेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने कोर्स नहीं देखा है तो बिल्कुल रीजनिंग फाउंडेशन को लीजिए, जो लगभग 25 से 26 टॉपिक जिसमें नोट्स, टेस्ट, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको डाले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैसा रहा आज का सेशन? अगर अभी तक आप लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, सेशन को लाइक करिए। हमने क्या बोला, कम समय दो लेकिन बेहतरीन चीज पढ़ के जाओ, तो आपको कभी करंट में दिक्कत आएगा ही नहीं। तो अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी जस्ट आपका 8 बजे से रीजनिंग, बेहतरीन रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कोड डायरेक्शन 4 क्लास हमारा, ये 5वां क्लास है जिसमें हमने डायरेक्शन को लेके चला। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। कैसा रहा सेशन लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए भाई साहब। अगर आपको पसंद आ रहा तो बिल्कुल लाइक करिएगा। ठीक है, कैसे रही सेशन जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।